बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैं आपके आपसे इस बात की माजरा चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं गया हुआ था अपने गाँव, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो इस बात के लिए माजरा चाहता हूँ। और अभी मैं ना अभी हमने अपने बकरों को ना आज इधर नहीं छोड़ा, आज हमने अपने बकरों को हम ऊपर से लाए हैं और हमने इधर नहीं छोड़ा, मैं हमने आज इन्हें इधर छोड़ दिया है। देखिए अभी यहाँ पर ना सुकून से खाएंगे, और हमें ना इस बात का डर भी नहीं है ये कहीं चले जाएंगे या फिर कुछ और। तो अभी देखिए कैसे ना इकट्ठे होकर ना यहाँ पर घास भी खा लेंगे, जब ये अच्छे तरीके से खा लेंगे तो ये अपना खुद ही बाहर आ जाएंगे और फिर हम इन्हें यहाँ पर बांध देंगे। लेकिन ना जहाँ मैं इन्हें बांधता हूँ ना, वहाँ वो वाली जो जगह है ना वो बहुत गंदी हो रही है। ये देखें कितनी गंदी हो रही है। आज मैंने इसकी सफाई कर लेता हूँ और अभी अब्दुल्ला को भी मैं बुलाता हूँ। ये जो हमारी कबूतरी है ना, ये भी बैठी हुई है और ये देखें कैसे बैठे हुए हैं। हमने उनके पास दाना पानी दिया है और हमने ना इनके पिंजरे की जो है ना सफाई भी कर ली थी। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि ना ये भी ना जल्दी से ना हमें ना खुशखबरी देने वाली है। देखिए कैसे ना अंडे देने के लिए ना ये यहाँ पर बैठी हुई है, ये देखें। और जो हमारे ये देखें हमारे बजिस के काम देखें, सिर्फ इस वाले केज में हमने हमारे कितने ज़्यादा बजिस देखे थे, और अब देखें वो ही रह गए हैं। जो है ना यहाँ से सुराख कर ना, वो देखें ए उस जगह पर ना इन्होंने सुराख किया हुआ है, इधर चले जाते हैं। और कल जब मैं गांव गया हुआ था ना, मैं जब आया हूँ रात को, तो मुझे पता चला कि हमारे जो तोते का जो बच्चे है उसने ना इन्होंने ये जो अंदर बैठे हुए हैं जिनका बच्चा है इन्होंने उसको मार दिया था। इन्हें डर था कि कहीं ना वो मेरे बच्चे को कुछ कहने आया हुआ होगा। और अब ये देखे सारे ऊपर गए हैं, सारे सारे। और इधर इनके पास भी दाना पानी है इनके पास। और अभी ये देखें उसको कैसे ना उसको खा रहा है अभी भी। और ये देखिए तो अंडे के अंदर ना क्रैक आया हुआ है, देखें इसको मैं निकाल कर चेक करता हूँ। ये देखें दोस्तों इसके अंदर ना बच्चा भी बन रहा था और ये ना इसने ना बाहर फेंक दिया। हमने ना बारिश की वजह से ना इनकी जगह चेंज की थी, जिसकी वजह से इनका पिंजरा वगैरह हिला होगा और ना इसने देखें अंडा बाहर फेंक दिया। ये देखें अभी इसके अंदर ना बच्चा भी बन रहा था। चलो मैं इसे ना फेंक देता हूँ। मैं दोस्तों इसके अंदर ना क्रैक ऐसे आया हुआ था, मैं समझी शायद ना इसके अंदर बच्चा होगा, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो ये अभी बन रहा था। ये देखें तो अभी मैंने इसे ना यहाँ से ना फेंक देता हूँ नीचे। ओहो अब इसे यहाँ पर आके गिर गया, जो मेन हिस्सा था ना वो बाहर चला गया और मैंने ना यहाँ पर आके गिर गया। और इंशाल्लाह ये भी ना हमारे बच्चे देखे अब्दुल्ला, यार ये देखो कैसे ना बैठी हुई है। ये भी लगता है हमें ना कोई खुशखबरी देने वाली है जल्दी से, है ना, जल्दी से दे देगी। अभी बहुत दिन हो गए, हाँ बहुत दिन हो गए मैं लाए हुए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, कम से कम एक महीना हो गया होगा इन्हें लाए, एक महीने से कम हुआ होगा इन्हें लाए हुए। देखें अब ये ना अंडे दे रहे हैं। और अभी इसे देखें, ये जो हमने एक पिजन पकड़ा था, इंशाल्लाह हम ना जल्द से जल्द उसका भी हम पार्टनर लेकर आएंगे और फिर वो भी हमें कोई खुशखबरी देगा। ये देखें अभी है ना ऐसे ही बैठा रहता है अकेला। और अभी ना इसके पास नेस्टिंग मटेरियल भी नहीं है, बस ये ना ऐसे ही ना इसके ऊपर ये जो कट्टू रखा हुआ था ना इसके ऊपर ही बैठी हुई है। अगर जल्दी से हमने इसके लिए नेस्टिंग मटेरियल ला कर इधर रख देंगे और फिर ये अपने अपने अंडे बच्चे इजीली कर सकती है। इसने अपना घोंसला बनाया था लेकिन वो छोटा थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल था तो वो मैंने ना निकाल दिया था। आज हम ना अपनी मुर्गियों को तरबूज नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे तरबूज लेकिन उस तरह नहीं खिलाएंगे वो पहले जिस तरह ज़्यादा खिलाते थे। आज ये थोड़ा सा बस ये छिलके बचे हुए थे, हमने इन्हें ना अलग अलग करके ना रख देते हैं ताकि ना ये लड़ाई ना करें। ये ना बहुत गंदे तरीके से ना लड़ाई करते हैं। अभी ये देखें कैसे उतावले हो रहे हैं आने के लिए।
और ये देखिए माशाल्लाह, ये अल्लाह का ताला का शुक्र है, ये भी सही है। और स्नो और फ्लैश को देखें कैसे ना मेरे पास ना आकर बैठ गए। स्नो फ्लैश वो दिनों बाद मिले हो, देखे माशाल्लाह कैसे ना खारिश कर रहे है। चलिए अभी मैं ना इन्हें ना खोल देता हूँ, देखा अभी चले गए। और अभी मैं अंडे भी चेक कर लूँगा कुछ दिन और मैं, अब मैं इसको अंडे उठाते ही नहीं, मेरे छोटे जो भाई हैं ना वो उठा कर ना ले जाते हैं। देखें अभी भी नहीं है क्योंकि अभी है दोपहर का टाइम, तो इसलिए भी नहीं दिए होंगे। देखा अभी है ना ये खा लेंगी, और ये हमारे बकरों के लिए है ये देखे। और अभी ना इन्हें देखे कैसे ना वो ये खा रहे हैं। तो अभी हम ना ये जो है ना अंदर रख देते हैं अपने चिक्स के पास। और दोस्तों मुझे बहुत अफसोस हुआ है, जब मैं गांव से आया मुझे इतनी बैड न्यूज़ मिली है, सुनने को मिली है हमारे जो चिक्स थे ना वो बिल्ली खा गई थी। देखो स्नो फ्लैश भी ना इनके साथ ना खा रहे हैं, वो ऊपर वाला खा रहे हैं और वो जो है स्नो फ्लैश है ना वो इसका छिलका खा रहे हैं। और स्नो फ्लैश के घर में ना मिट्टी भी बहुत थोड़ी है, तो इस वजह से हमने इस इनके घर में जल्द से जल्द हम ना इन्हें भी इसे भी ना फूल कर देंगे ताकि ये भी हमें कोई खुश खबरी दे। तो अभी हमने ये घास ले आए हैं और ये मैंने यहाँ से ना थोड़ी सी उठा कर ना स्नो और फ्लैश को डाल आता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो मेरे स्नो और फ्लैश है ना मेरे रैबिट, वो ना घास बहुत शौक से खाते हैं, तो अभी मैंने ये ना उन्हें डाल आता हूँ। अभी ना मैं घास ना अपने सेटअप पर ले आया हूँ, और जो मैंने मुर्गियाँ हैं ना वो खुली छोड़ दी थी। अभी ये देखें कैसे ना इन्होंने ना सफा चोट कर दिया, ये देखें ये लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर ना हमने तरबूज के छिलके रखे थे। और ये देखें ये भी ना धूप लगवा रहे हैं। स्नो फ्लैश ये देखें कैसे ना माशाल्लाह भागते हुए आ गए हैं। अच्छा अच्छा भाई डाल रहा हूँ। देखें हमारे चिक्स हैं ना ये बाहर आते हैं, चिक्स को खाना डाला था वो अपना स्नो फ्लैश खा रहे थे, और जब मैंने स्नो फ्लैश को डाला तो अपना हमारे चिक्स खा रहे हैं। और देखिए कैसे मैंने मज़े से खा रहे हैं स्नो फ्लैश भी और चिक्स भी। और इनके पास पानी भी है और साफ पानी है ये देखें। और अभी हम ना इन्हें थोड़ी देर और खुला छोड़ देते हैं ताकि ये और घूम ले, और जितना भी छत पे मतलब ना कुछ भी पड़ा होगा जिस तरह भी घास है ना ये जिस तरह खा रहे हैं ये और भी चीज़ें खा लेंगे। अभी भी ना ये ना इसी के ऊपर ना लगे हुए हैं ये देखें, बहुत दुखे हैं। भी ना घास की एक डंडी लेकर आई है वो मैं मुझसे सीढ़ियों में गिर गई, वो अपना अंदर डाल दिया। हाँ क्या कर रही हो, दिखाओ मैं डालूं। चलो भाई गई। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह ना ये खुद ही अंदर चले गए हैं, इन्हें पता है इस जगह पर धूप है, अब हमने अंदर जाना है। चलो भैया तुम भी अंदर, ये दो रह गई हैं बस भाई। चलो अब मैंने इन्हें भी ना बंद कर दिया। हमारे जो मुर्गे हैं ना वो किसी ऊंची जगह पर बैठ के अजान देना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखे अभी अजान दे रहे हैं लेकिन ये नीचे खड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उतना प्यारा नहीं लगता जितना ये वहाँ पर खड़े होकर देता था। और एक दफ़ा तो इसने इस चरपाई के ऊपर खड़े होकर अजान दी थी। कोई मुर्गा किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर अजान देता है मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी ये ना घूम फिर लिया, और अभी हमने ना ये यहाँ पर घास भी डाल दी थी, और अभी इन्होंने ना वहाँ पर भी थोड़ा बहुत खाया पिया था, तो इस वजह से आज हमने ना इन्हें थोड़ी सी घास डाली थी और इन्होंने ना ख़त्म कर दिया। तो अभी हमने ना इन्हें बांध दिया। और दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफिज़।